हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक जिसका नाम है एनईएफटी एंड आरटीजीएस, जो कि हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनईएफटी आरटीजीएस होता क्या है, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, और देखो जो एनईएफटी है और जो आरटीजीएस है ये दोनों प्रोडक्ट किसके हैं। ये दोनों प्रोडक्ट है आरबीआई के। तो आरबीआई को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़े, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंडो नेपाल रेमिटेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एनईएफटी की। तो देखो जो एनईएफटी और आरटीजीएस है, बेसिकली ये है क्या चीज, ये है मेथड जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे आपके मन में बात आ रही होगी, तो ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, जैसे कि हमारा यूपीआई हो गया, फिर हमारा आईएमपीएस हो गया, फिर हमारा भीम ऐप हो गया, फिर भारत क्यूआर हो गया। तो इनकी बात क्यों नहीं हो रही, सिर्फ एनईएफटी और आरटीजीएस की बात क्यों हो रही है? क्योंकि देखो जो यूपीआई आईएमपीएस भीम वगैरह हैं, ये सब किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इसकी बात हम किसी अलग वीडियो में कर लेंगे, पर जो नेफ्ट और आरटीजीएस है ये किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं आरबीआई ने, ठीक है। तो इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं आज। जो एनपीसीआई वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात हम फिर कभी कर लेंगे, आज सिर्फ जो आरबीआई के प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, वो कौन कौन से, एनईएफटी और आरटीजीएस। तो सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी की। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में बाय आरबीआई। अब तो जो एनईएफटी है वो आपके दो मोड्स में अवेलेबल है, कौन कौन सा, एक है आपका ऑनलाइन मोड और एक है आपका ऑफलाइन मोड। तो देखो जो ऑनलाइन मोड है उसका मतलब क्या है आपका, जैसे कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग हो गई या मोबाइल बैंकिंग हो गई, मोबाइल ऐप से जो आप चलाते हो उसका यूज करके अगर आप नेफ्ट कर रहे हो तो वो कौन सा मोड होगा, ऑनलाइन मोड। और ऑफलाइन मोड कौन सा हुआ कि आपका अकाउंट जिस बैंक में, आप उस बैंक में जाके यूज कर रहे हो एनईएफटी मेथड, ठीक है। तो वो कौन सा मोड हुआ, ऑफलाइन मोड। अगर आप बैंक का यूज, बैंक में जाके यूज कर रहे हो एनईएफटी तो वो ऑफलाइन मोड, और अगर आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हो एनईएफटी तो वो कौन सा मोड हुआ, ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब एनईएफटी में दो बातें और बड़ी जरूरी हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारा रेमिटर और एक होता है हमारा बेनिफिशियरी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ये बेसिक बात भी नहीं पता होता। तो देखो नेफ्ट में बेसिकली होता क्या है, एक बंदा अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। तो जो अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेमिटर। मतलब जिसके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, जिसके अकाउंट से पैसा कटता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेमिटर। और जिसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, जमा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी। तो नेफ्ट में क्या होता है, जो नेफ्ट का यूज कौन करता है, रेमिटर करता है, अपने अकाउंट से पैसा काट के दूसरे के अकाउंट में पैसा डालने के लिए, ठीक है। तो रेमिटर कौन हुआ, जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा, और बेनिफिशियरी कौन हुआ, जिसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो नेफ्ट में ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेफ्ट के टाइमिंग्स की। तो देखो नेफ्ट जो है वो 24/7 अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन मोड का यूज कर रहे हो तो जो बैंकिंग आवर्स हैं 10 to 4, ठीक है, या 10 to 5 रख लो, कोई कोई प्राइवेट बैंक 5 बजे तक भी चलते हैं, ठीक है, तो 10 से 5 रख लो, ठीक है, तो वो टाइम अवेलेबल होगा। और अगर आप ऑनलाइन मोड का यूज कर रहे हो तो आप 24/7 कर सकते हो, कभी भी रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे कभी भी नेफ्ट का यूज कर सकते हो। पर अगर आप बैंक के थ्रू यूज करना चाहते हो तो आपको बैंक टाइमिंग में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सैटरडे संडे की कोई बात नहीं, अगर देखो बैंक हॉलीडे होगी तो आप ऑफलाइन मोड का यूज नहीं कर सकते, पर ऑनलाइन मोड का आप हॉलीडे वाले दिन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइमिंग की बात। अब देखो जो नेफ्ट में जो पैसा क्रेडिट होता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, उसमें लगता है टाइम, थोड़ा डिले होता है, ठीक है, क्यों, लगभग 2 से 2.5 घंटे। मतलब अगर आपने अभी नेफ्ट का इस्तेमाल किया पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में कितने देर बाद पहुंचेंगे पैसे, 2 से 2.5 घंटे बाद। क्यों, क्योंकि नेफ्ट जो है वो काम कैसे करती है, बैचेस में काम करती है, ठीक है। और जो इसका एक बैच होता है वो कितने का होता है, हाफ एन आवर का एक बैच होता है, ठीक है। ये जो एक बैच है इसका, ये कितने टाइम का होता है, हाफ एन आवर का। मतलब अगर ये 10 बजे ओपन हुआ है बैच तो खत्म कितने बजे होगा, 10:30 बजे। तो देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो टोटल 24 आवर्स, एक बैच आधे घंटे का है, तो 24 घंटे में कितने बैच हुए, 48 बैचेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, पहले आया भी था कि एनईएफटी में पूरे दिन में कितने बैचेस होते हैं, तो टोटल 48 बैचेस, एक बैच आधे घंटे का, पूरे दिन में 24 घंटे, तो पूरे दिन में बैचेस कितने हुए, 48, ठीक है। अब देखो टाइम क्यों होता है, डिले क्यों होता है पैसे क्रेडिट होने में, क्योंकि देखो जैसे आपने समझ लो 10 बजे गए आप बैंक में और आपने क्या किया कि भाई नेफ्ट का यूज किया पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो 10 बजे जो बैंक में क्लर्क बैठा होगा उसने आपकी नेफ्ट प्रोसेस कर दी, ठीक है, पर वो इमीडिएटली बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं जाएगी,
वो जाएगी इस बैच में। फिर ठीक है, फिर 10:15 बजे कोई और बंदा आया होगा, ठीक है, उसने भी नेफ्ट का यूज किया होगा, तो वो भी पहले इस बैच में जाएगी। फिर 10:20 पे कोई बंदा आया होगा, उसने भी नेफ्ट का यूज किया होगा, तो वो भी पहले इस बैच में जाएगी। ठीक है, तो मतलब 10 बजे ये बैच ओपन होएगा और 10:30 बजे ये बैच क्लोज होएगा। उस दौरान 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी भी नेफ्ट होंगी वो सारी यहाँ पे इकट्ठी होती रहेंगी। ठीक है, वो सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। फिर जैसे 10:30 बजेंगे ये बैच होएगा क्लोज, फिर ये बैच जाएगा आगे प्रोसेसिंग के लिए। फिर ये बैच जब प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, फिर इसमें से जो नेफ्ट होंगी वो बारी बारी प्रोसेस्ड होंगी। तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट को क्रेडिट होने में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या नेफ्ट का यूज सिर्फ बैंक अकाउंट, जिसका बैंक में अकाउंट होगा वही यूज कर सकता है नेफ्ट का, कि कोई और बंदा भी कर सकता है? तो देखो, इसमें कहीं कंपलसरी नहीं है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए तभी आप किसी को पैसा भेज पाओगे। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी आप पैसा भेज सकते हो, पर यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट भेज सकते हो, 50,000। ठीक है, 50,000 भेज सकते हो एक दिन में। पर ऐसे बैंक बेसिकली इसको अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं ये भी देखो, बात बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली होता क्या है, बैंक के होते हैं बीजीएल अकाउंट्स। बीजीएल अकाउंट्स क्या होते हैं आपके, ब्रांच जनरल लेजर्स। ठीक है, अब इसमें अगर बैंक को पैसा डालना होता है, जैसे कमीशन, आप कोई ऑनलाइन चालान करवाते हो बैंक से, ठीक है, तो बैंक की उसमें कमीशन होती है, तो वो कमीशन का पैसा ना इनको ये बीजीएल अकाउंट्स में क्रेडिट करना होता है, तो वो ये बीजीएल अकाउंट्स में डायरेक्ट क्रेडिट नहीं कर सकते, तो उसके लिए इन्होंने एक पार्किंग अकाउंट बना रखा होता है अपना। ठीक है, तो पार्किंग अकाउंट बना रखा होता है, पहले वो पैसा इसमें डालते हैं, फिर इससे वो बीजीएल में डालते हैं। तो समझो आप एक कस्टमर हो, वॉक इन कस्टमर हो, ठीक है, आपको किसी को पैसे भेजने अर्जेंट बेसिस पे, और आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है और आपका फोन भी नहीं चल रहा कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करके किसी को भेज दो पैसे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बैंक जाओ, जो भी आपके नजदीक है, चाहे उसमें अकाउंट हो ना हो, आप उस बैंक में जाओ। ठीक है, पर कंडीशन यह है कि आप मैक्सिमम 50,000 ही ट्रांसफर कर पाओगे। अब देखो होगा क्या, आपने समझ लो 30,000 ट्रांसफर करने हैं, तो बैंक वाले क्या करेंगे, इस पार्किंग अकाउंट में पैसा डालेंगे अपने, फिर यहां से क्या करेंगे, एनईएफटी करेंगे, ठीक है, बेनिफिशियरी अकाउंट में। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है कि आप बिना बैंक अकाउंट के भी नेफ्ट कर सकते हो, पर उसकी मैक्सिमम कैप कितनी है, 50,000। पर मैक्सिमम बैंक जो है वो इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, मना करते हैं ऐसे करने के लिए। पर इसके पीछे भी लॉजिक है, पता है क्या लॉजिक है, समझो आपने नेफ्ट की, ठीक है, आपने एक फॉर्म भरा जिसमें बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर भर दिया, गलती से आपने वो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर कम भर दिया, कम डिजिट का, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी नेफ्ट है ना वो 2.5-3 घंटे बाद वापस आ जाएगी इनके पार्किंग अकाउंट में। अब देखो, अगर आपने अपने अकाउंट से की होती तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में वापस आती, पर आपको तो इस बैंक में अकाउंट था ही नहीं, तो वो उस बैंक के पार्किंग अकाउंट में वापस आ जाएगी। फिर बैंक वालों की लायबिलिटी बन जाती है कि आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करें, आपको बुलाएं और आपके पैसे आपको वापस रिफंड करें। तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए बैंक अवॉइड करता है कि जिसका अकाउंट नहीं है उसको हम नेफ्ट की बेनिफिट ना दें। ठीक है, तो इसमें बैंक भी गलत नहीं है, ऐसा मत ब्लेम करना कि बैंक गलत है, क्योंकि ये बाई चांस अगर आपकी नेफ्ट फेल हो जाती है तो आपको वापस कॉन्टैक्ट करके बुलाना पड़ेगा, फिर आपको वापस कैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। पर अगर आप अपने अकाउंट से अगर नेफ्ट करते हो और वो फेल हो जाती है, तो सारा का सारा पैसा खुद ही ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जिसका अकाउंट है वो उसी की नेफ्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नेफ्ट के चार्जेस की। तो अगर आप ऑनलाइन मोड का यूज करके नेफ्ट कर रहे हो तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने, ठीक है, पर अगर आप बैंक में जाके नेफ्ट का यूज कर रहे हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, और ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। पर आरबीआई ने क्या क्या किया है, उस पर मैक्सिमम कैप लगा रखा है। मतलब अगर आप 10,000 तक की नेफ्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम एक बैंक जो आपसे कमीशन ले सकता है वो कितना, 2.5 रुपए ले सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, उससे कम ले सकता है। ठीक है, पर मैक्सिमम कितनी ले सकता है, 2.50, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। ऐसे ही अगर आपने 1 से 2 लाख की करनी है तो मैक्सिमम कितना ले सकता है कमीशन आपसे, 15 रुपए। कम से कम कुछ भी ले सकता है, जैसे 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, ऐसे कुछ भी ले सकता है, पर मैक्सिमम कितनी ले सकता है, 15 रुपए। तो ये जो कमीशन होती है ये बैंक टू बैंक वेरी करती है, पर कोई भी बैंक इस मैक्सिमम लिमिट को ओवर क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे बात करें अगर हम एनईएफटी की लिमिट्स की, क्योंकि आप कितने रुपए की नेफ्ट करवा सकते हो, तो देखो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप मिनिमम से मिनिमम कितने भी करवा सकते हो, ठीक है, 100 रुपए की भी करवा सकते हो, 200 की भी करवा सकते हो, और मैक्सिमम आप 50 करोड़ की भी करवा सकते हो, 100 करोड़ की भी करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो आपने नेफ्ट की, उसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं पैसे पहुंचने में, तो उस दौरान आप इसको ट्रैक कैसे कर सकते हो कि मेरी नेफ्ट कहां तक पहुंची, हो भी रही है कि नहीं हो रही, फेल तो नहीं हो गई? तो उसके लिए क्या होता है, हर बैंक ने अपना एक सीएफसी सेंटर बनाया होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं,
नेफ्ट कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर, जिसकी डिटेल आपको हर बैंक के जो ऑनलाइन वेबसाइट होगी उस पर मिल जाएगी। अगर वहां पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, तो आप आरबीआई की ये वाली वेबसाइट डाल सकते हो। इसमें आपको सभी बैंक के सीएफसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप सीएफसी कॉन्टैक्ट डिटेल करना, वहां से आप अपनी नेफ्ट की इंक्वायरी कर सकते हो। पर उस इंक्वायरी के लिए आपको मेन चीज क्या चाहिए, यूटीआर नंबर। जब भी आप नेफ्ट करोगे आपको एक यूटीआर नंबर प्रोवाइड होता है। यूटीआर नंबर क्या होता है आपका, यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक है। तो आप जो सीएफसी सेंटर है उसको अपना यूटीआर नंबर प्रोवाइड करोगे और वो आपको आपकी नेफ्ट का स्टेटस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नेफ्ट से मैं सिर्फ इंडिया में पैसा भेज सकता हूँ कि मैं इंडिया के बाहर भी भेज सकता हूँ। तो इसका आंसर है आप इंडिया के बाहर भी भेज सकते हो, बस एक ही कंट्री में, वो है नेपाल। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नेफ्ट का यूज करके आप नेपाल पैसा भेज सकते हो, पर ये हमेशा वन वे होगा। मतलब इंडिया से पैसा नेपाल की तरफ ही जाएगा, नेपाल से पैसा इंडिया की तरफ नहीं आएगा। तो जो नेफ्ट होगी वो कहां से कहां होगी, इंडिया से नेपाल की तरफ होगी, ठीक है। और ये कब स्टार्ट कर दिया था आरबीआई ने, ये स्टार्ट कर दिया था मई 2008 में। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2022 में इसमें काफी ज्यादा चेंजेस लाए हैं। वो चेंजेस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रेमिटर की। तो रेमिटर कौन था, अभी हमने डिस्कस किया था, जिसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, ठीक है। जो नेफ्ट करता है, जिसके अकाउंट से पैसा कटता है, वो होता है रेमिटर। तो इस केस में रेमिटर कौन होगा, वो पर्सन जो इंडिया में बैठा है। क्यों, क्योंकि जो नेफ्ट है वो कहां से कहां हो रही है, इंडिया से नेपाल हो रही है। तो जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा वो कहां बैठा होगा, हमेशा इंडिया में। तो रेमिटर कौन हुआ, इंडिया वाला पर्सन। तो इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन मतलब इसके पास दो सिचुएशन है। या तो इसके पास कोई ना कोई अकाउंट होगा इंडिया के किसी भी बैंक में, या तो इसके पास कोई भी अकाउंट नहीं होगा इंडिया के बैंक में, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, या तो इसका कोई ना कोई अकाउंट होगा या कोई अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। पर 2022 से पहले क्या था, चाहे आपका अकाउंट है चाहे आपका अकाउंट नहीं है, एज अ रेमिटर आप मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सिंगल ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम 50,000 की ही कर सकते हो और साल में सिर्फ 12 बार कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपका अकाउंट है चाहे आपका अकाउंट नहीं है। पर 2022 के बाद क्या कर दिया है आरबीआई ने, कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तब आप सिंगल ट्रांजेक्शन तो 50,000 की करोगे और साल में 12 बार ही करोगे, पर अगर आपका अकाउंट है तो क्या हो जाएगा, जो सिंगल ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसकी लिमिट बढ़ जाएगी 50,000 से लेके अब कितनी हो जाएगी, 2 लाख। अगर आप अकाउंट होल्डर हो किसी भी बैंक के अकाउंट के इंडिया में, ठीक है, तो आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन कितने रुपए की कर सकते हो, 2 लाख रुपए की, और साल में कितनी बार कर सकते हो, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 2022 में क्या हो गया, अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप एक जो ट्रांजेक्शन करोगे वो सिंगल, वो कितने की होगी, 50,000 की, और साल में कितनी बार कर सकते हो ऐसी ट्रांजेक्शन, 12 बार। पर अगर आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में इंडिया के, तो आप सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए की कर सकते हो और साल में जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात होगी इंडो नेपाल रेमिटेंस की। अब यहाँ पे एक बात समझना, जब हमने बात की थी एनईएफटी इंडिया में, ठीक है, अगर आप एनईएफटी कर रहे हो इंडिया में, तो एज अ रेमिटर, तो आपका बैंक अकाउंट हो या ना हो कोई मतलब नहीं, आप नेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। पर क्राइटेरिया क्या था, अगर अकाउंट नहीं है तो आप 50,000 की कर पाओगे, ठीक है। पर एज अ बेनिफिशियरी आपका अकाउंट होना नेसेसरी था, तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, अगर मैं बात करूं नेफ्ट इंडिया की। पर अगर आप नेफ्ट कर रहे हो नेपाल में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एज अ रेमिटर और एज अ बेनिफिशियरी आपको दोनों जगह कंपलसरी नहीं है कि आपका अकाउंट हो। अगर एज अ बेनिफिशियरी आपका अकाउंट नहीं होगा तब भी आप इंडिया से पैसे मंगवा सकते हो, ठीक है। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं था, इंडिया के केस में अगर आपको पैसे मंगवाने किसी के अकाउंट से, तो आपका अकाउंट होना, बेनिफिशियरी का अकाउंट होना कंपलसरी था। पर नेपाल के केस में बेनिफिशियरी का अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो नेफ्ट है नेपाल में, जो नेफ्ट का पैसा जाता है नेपाल में, उसको हैंडल कौन करता है, सिर्फ एक बैंक करता है, वो कौन है, NSBL, ठीक है, नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड, ये इसको हैंडल करता है, ठीक है। जो भी नेफ्ट का पैसा आता है इंडिया से नेपाल में, उसको हैंडल कौन करता है, NSBL। अब एज अ बेनिफिशियरी अगर आपका अकाउंट NSBL में है तब तो ठीक है, वो पैसा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पर एज अ बेनिफिशियरी अगर आपका अकाउंट NSBL में नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, एक थर्ड पार्टी के साथ NSBL ने टाई अप कर रखा है, उसका नाम क्या है, प्रभु मनी ट्रांसफर, ठीक है। जैसे वेस्टर्न मनी ट्रांसफर नहीं होता, वेस्टर्न यूनियन होती है, वैसे ही प्रभु मनी ट्रांसफर है। तो आप एज अ बेनिफिशियरी क्या करोगे, इस प्रभु मनी ट्रांसफर के पास जाओगे और ये क्या करेगा, आपके बिहाफ में अपने अकाउंट में ये पैसा मंगवा लेगा, ठीक है, इंडिया से अपने अकाउंट में पैसा मंगवा लेगा और आपको बदले में क्या दे देगा, कैश दे देगा। तो एज अ बेनिफिशियरी अगर आप नेपाल में हो तो आपको अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है, पर एज अ बेनिफिशियरी अगर आप इंडिया में हो,
ठीक है, तो आपका किसी इंडियन बैंक में अकाउंट होना मैंडेटरी है, तो ये फर्क था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम आरटीजीएस की। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म हमारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये कब चालू हुआ था, ये चालू हुआ था 2004 में आरबीआई के द्वारा, जो कि एनईएफटी से 1 साल पहले है। एनईएफटी कब चालू हुआ, 2005 में। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट है वो रियल टाइम बेसिस पे होती है। तो सेटलमेंट क्या होता है, देखो रेमिटर जो है वो क्या करता है, पैसे भेजता है बेनिफिशियरी को। तो जब ये पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच जाता है तब हम बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है वो क्या होगी, सेटल हो गई। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट है वो रियल टाइम बेसिस पे होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने आरटीजीएस मेथड का यूज किया एक ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस मेथड का यूज किया, तो जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो ऑन द स्पॉट ही प्रोसेस्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और ऑन द स्पॉट ही बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, एज कंपेयर टू नेफ्ट। नेफ्ट में क्या होता था कि आपने नेफ्ट मेथड का यूज किया पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो पहले जो आपका ट्रांजेक्शन है वो जाएगी एक बैच में, फिर वो बैच का टाइम फुल होगा, फिर वो बैच कंप्लीट होगा, फिर वो बैच जाएगा प्रोसेसिंग में, उसके बाद जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस्ड होगी, फिर जाके बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाएगा। पर आरटीजीएस में ऐसा नहीं होता, आरटीजीएस में जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन चालू की वैसे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो नेफ्ट में मैक्सिमम कितना टाइम लगता था, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। ठीक है, पर वहीं आरटीजीएस की बात करें तो 5 से 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये रियल टाइम बेसिस पे होती है, और अगर आपकी किस्मत खराब है तो मैक्सिमम टाइम कितना लगता है इसमें आरटीजीएस में, 30 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर वहीं अगर आरटीजीएस की बात करें तो मिनिमम टाइम कितना है, 2 से 2.5 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आरटीजीएस की मिनिमम वैल्यू की। अगर देखो, अगर आपको आरटीजीएस मेथड यूज करना है पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। अगर समझ लो आपको 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, 1.5 लाख, और आप चाहते हो आरटीजीएस मेथड से करूं, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आरटीजीएस मेथड का मिनिमम क्राइटेरिया कितना है कि आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप 2 लाख रुपए ट्रांसफर करोगे तभी आप आरटीजीएस का यूज कर पाओगे, उससे कम अमाउंट अगर आपने ट्रांसफर करना है तो आप सिर्फ नेफ्ट से कर सकते हो। ठीक है, फिर आप आरटीजीएस का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको आरटीजीएस का यूज करना है तो मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, 2 लाख रुपए, और मैक्सिमम कोई कैप नहीं है। जैसे कि एनईएफटी में मैक्सिमम अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है, वैसे आरटीजीएस में भी मैक्सिमम अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है, पर आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट की लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। और अगर बात करें हम यहाँ पे चार्जेस की, तो देखो आरटीजीएस भी आपका 2 मोड्स में अवेलेबल है, एक आपका है ऑनलाइन मोड और एक है आपका ऑफलाइन मोड। अगर आप ऑनलाइन मोड का यूज कर रहे हो, घर बैठे अगर आप आरटीजीएस इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का यूज करके आरटीजीएस कर रहे हो, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। वहीं अगर आप ऑफलाइन मोड यानी कि अपने बैंक में जाके आरटीजीएस का यूज कर रहे हो तो बैंक आपसे फीस लेगा, ठीक है, उस आरटीजीएस को करने की। और वो फीस कितनी है, 2 लाख रुपए से लेकर अगर आप 5 लाख रुपए तक की आरटीजीएस कर रहे हो तो एक बैंक मैक्सिमम 25 रुपए आपसे ले सकता है। ठीक है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी की 24 रुपए होगी, किसी की 23 रुपए होगी, ठीक है, किसी के 22 रुपए कुछ पैसे होंगी, पर मैक्सिमम एक बैंक कितना ले सकता है आपसे, 25 रुपए, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, और अगर आपकी आरटीजीएस अमाउंट 5 लाख से ऊपर की है तो मैक्सिमम एक बैंक आपसे कितना ले सकता है, 50 रुपए, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम LEI, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अब ये क्या होता है, देखो एक 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर भी होंगे, और ये 20 होंगे टोटल। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए यूज हुआ था, ये बेसिकली बनाया गया था क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कि आप इंडिया से कहीं बाहर पैसा भेज रहे हो। ठीक है, पर अब आरबीआई ने क्या किया है कि इसका यूज मैंडेटरी कर दिया है एनईएफटी में और आरटीजीएस में, पर इसके लिए क्राइटेरिया है, अगर आप NEFT और RTGS कर रहे हो कितने की, 50 करोड़ और उससे ऊपर की, मतलब 50 करोड़ की भी और 50 करोड़ से ऊपर की NEFT RTGS कर रहे हो तो आपके लिए मैंडेटरी है LEI नंबर प्रोवाइड करना। ठीक है, पर यहां पे एक चीज बड़े ध्यान से समझना, ये चीज थोड़ी सी टिपिकल है, इसको समझना। समझ लो एज अ पर्सन, जैसा कि मैं हूं, समझ लो गौरव, ठीक है, मैं कर रहा हूं एनईएफटी कर रहा हूं या आरटीजीएस कर रहा हूं 50 करोड़ की। ठीक है, तो मेरे को ये नंबर प्रोवाइड नहीं करना, अगर मैं ये मैं कर रहा हूं अपने सेविंग अकाउंट से, जो मेरा सेविंग अकाउंट है, चाहे वो एसबीआई में हो या पीएनबी में हो, किसी में भी हो, अगर मैं कर रहा हूं गौरव नाम के सेविंग अकाउंट से, ठीक है, 50 करोड़ की एनईएफटी या आरटीजीएस, तो मेरे को ये नंबर प्रोवाइड नहीं करना। वहीं अगर दूसरी ओर, जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, गौरव प्राइवेट लिमिटेड करके,
और उसका करंट अकाउंट है, और उससे मैं अगर नेफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, तब मेरे को ये LEI नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे बेसिक बात क्या है, अगर आप NEFT और RTGS कर रहे हो 50 करोड़ और उससे ऊपर की, पर अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से, ठीक है, अपने इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से, ठीक है, दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक नॉन इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल कौन सा, जो आपके नाम का होगा, ठीक है, जैसे आपका नाम है आधार कार्ड पे, वैसा ही नाम का अकाउंट होगा, ठीक है। अगर आप उस अकाउंट से कर रहे हो 50 करोड़ या उससे ऊपर की, तो आपको LEI नंबर प्रोवाइड नहीं करना है। पर अगर आप नॉन इंडिविजुअल अकाउंट, नॉन इंडिविजुअल अकाउंट कैसे होता है, जैसे आपके कंपनी का अकाउंट हो गया, या आपकी फर्म का अकाउंट हो गया, या आपके बिजनेस का अकाउंट हो गया, या आपकी दुकान का अकाउंट हो गया, या आपकी लिमिट का अकाउंट हो गया, ठीक है, जो करंट अकाउंट होते हैं वो हो गए। अगर नॉन इंडिविजुअल अकाउंट से आप कर रहे हो नेफ्ट और आरटीजीएस 50 करोड़ और उससे ऊपर की, तभी आपको LEI नंबर प्रोवाइड करना है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट से कर रहे हो, जो कि आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उससे कर रहे हो अगर आप 50 करोड़ और उससे ऊपर की नेफ्ट और आरटीजीएस, तो आपको LEI नंबर प्रोवाइड नहीं करना। पर वहीं अगर आप नॉन इंडिविजुअल अकाउंट, जो कि आपके करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है, सीसी होती हैं, लिमिट्स होती हैं, ठीक है, उनसे कर रहे हो, तो आपको LEI नंबर प्रोवाइड करना है। अब लास्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि आरटीजीएस और नेफ्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों अलग अलग, ठीक है। तो देखिए थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये है हमारा एक कस्टमर ए और ये हमारा एक कस्टमर बी। ए जो है वो है पीएनबी का कस्टमर और जो बी है वो है हमारा एसबीआई का कस्टमर, ठीक है। ए के पास है समझ लो टोटल पैसे 5,000 रुपये जो इसने पीएनबी में जमा करा रखे हैं, ठीक है, 5,000 रुपये। और बी के पास है समझ लो टोटल 10,000 रुपये जो इसने एसबीआई में जमा करा रखे हैं, ठीक है। अब इसे 10,000 एसबीआई में जमा करा रखे, तो एसबीआई से कभी भी 10,000 विड्रॉल कर सकता है। ए ने पीएनबी में 5,000 रुपये जमा करा रखे, तो कभी भी पीएनबी से 5,000 रुपये विड्रॉल कर सकता है। पर यहाँ पे इन्होंने किया क्या, ए ने क्या किया, अपने 2,000 रुपये बी को दे दिए, तो बी के पास अब कितने रुपए हो गए, 12,000 रुपये, ठीक है। और ए के पास कितना रह गया, अब 3,000 रुपये। पर देखो यहाँ पे हुआ क्या, बी ने एसबीआई के पास तो सिर्फ 10,000 ही जमा करा रखे थे, अब मांग एसबीआई से 12,000 रहा है, एसबीआई 2,000 कहां से देगा। तो जाहिर सी बात है ये जो इन्होंने आपस में सेटलमेंट की 2,000 रुपये की, ठीक है, एज अ कस्टमर, तो एज अ बैंक पीएनबी को भी एसबीआई को 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। पर वो कैसे देगा ये 2,000 रुपये, तो देखो जो नेफ्ट और आरटीजीएस है ये प्रोडक्ट किसका है, आरबीआई का। तो आरबीआई क्या करता है, जो भी बैंक नेफ्ट और आरटीजीएस प्रोसेस करता है उनके वो खोलता है सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है, सेटलमेंट अकाउंट खोलता है। अब क्या होता है यहाँ पे, जितने पैसे की ट्रांजेक्शन होगी उतने पैसे वो इस बैंक से काटेगा और दूसरे को दे देगा, ठीक है। जैसे इस केस में ए ने 2,000 रुपये ट्रांसफर किए बी को, तो आरबीआई क्या करेगा, 2,000 रुपये पीएनबी से काटेगा और एसबीआई को दे देगा, ठीक है। तो वो आरबीआई ये सेटलमेंट अकाउंट्स के थ्रू इनके पैसे काटता है और एक दूसरे को देता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेफ्ट और आरटीजीएस की जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो ये गौर कीजिएगा ये प्रोडक्ट कब के हैं, 2004 और 5 के, ठीक है। अगर मैं एवरेज भी लूँ, समझ लो 2007 और 8 की बात भी करूं, तो उस हिसाब से आप आज सोच के देखना कि 2007 में 2 लाख रुपए काफी बड़ी अमाउंट थी, ठीक है, काफी बड़ी अमाउंट थी। इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन होती नहीं थी, बल्कि छोटी ट्रांजेक्शन होती रहती थी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जैसे 1,000, 10,000, 20,000 की ट्रांजेक्शन है वो फ्रीक्वेंटली होती थी, क्योंकि आज के जमाने में 2 लाख की ट्रांजेक्शन भी काफी ज्यादा होने लग पड़ी है, ठीक है। पर 2010 की बात करूं, 12 की बात करूं, तब 2 लाख रुपए एक अच्छी खासी अमाउंट थी और इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन होती नहीं थी। तो आरबीआई ने क्या किया कि देखो जो ये सेटलमेंट है ना, ये इनको हर टाइम करनी पड़ेगी। समझ लो जैसे कि ये ए और बी है, ठीक है, ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पीएनबी का लेता हूं मैं और एसबीआई का लेता हूं, ठीक है। समझ लो एक पर्सन ने पीएनबी से 1,000 रुपये ट्रांसफर किए एसबीआई को, ठीक है, फिर अगले सेकंड अगले बंदे ने 2,000 रुपये ट्रांसफर किए, फिर अगले सेकंड एसबीआई से एक बंदे ने 5,000 रुपये ट्रांसफर किए, तो इतनी ट्रांजेक्शन आरबीआई हर सेकंड कैसे सेटल करता रहे बैंक लेवल पे। तो आरबीआई ने क्या किया कि 2 लाख से नीचे वाली जो है, ठीक है, 2 लाख और उससे नीचे वाली, उसको नेफ्ट कैटेगरी में डाल दिया और उसमें बना दिए बैचेस। अब बैचेस में क्या होता है कि देखो बैचेस में ये जो इंडिविजुअल ट्रांसफर जो हो रहे हैं कस्टमर लेवल पे ये तो होंगे, पर बैंक लेवल पे क्या होएगा, वो 1,000 रुपये पहले ट्रांसफर करेगा, 2,000, 5,000, ऐसे नहीं करेगा। बैंक लेवल पे क्या करेगा, देखो पीएनबी कितना ट्रांसफर कर रहा है एसबीआई को, टोटल 3,000 रुपये, और एसबीआई कितना कर रहा है टोटल ट्रांसफर, 5,000 रुपये। तो टोटल क्या करेगा, 2,000 रुपये ट्रांसफर करेगा एसबीआई से पीएनबी की तरफ, ठीक है।
बैच का फायदा ये है, जो छोटी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ज्यादा होती हैं, और 2 लाख और उससे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन कम थी, ठीक है। आज से पहले की बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में शायद आरटीजीएस की मिनिमम वैल्यू भी शायद बढ़ा दें, क्योंकि अब 2 लाख रुपए भी नॉर्मल हो गए हैं, ठीक है। 2 लाख की भी ट्रांजेक्शन आजकल नॉर्मल हो रही है, तो शायद आने वाले टाइम पे आरटीजीएस की मिनिमम वैल्यू भी बढ़ा दें। पर मैं 2010 के हिसाब से टाइम से मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 लाख एक अच्छी खासी अमाउंट थी, तो उसके नीचे वाली ट्रांजेक्शन ज्यादा होती थी, तो उनको अगर हम रियल टाइम पे बैंक लेवल पे सेटल करने लगे तो काफी कंफ्यूजन और काफी हैक्टिक प्रोसेस होना था। तो क्या किया आरबीआई ने कि 2 लाख से नीचे वालों को बना दिए बैच। अब जो बैच में कस्टमर ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो होंगे, पर बैंक के नेट बैलेंस जो होगा वो ट्रांसफर होगा। मतलब जैसे समझो, यही मैं एग्जांपल दे रहा था, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का ले लेते हैं, ठीक है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का, अब इसमें कस्टमर है ए बी सी डी ई, ठीक है। एक कर रहा है 1,000 रुपये ट्रांसफर, ठीक है, एक कर रहा है 2,000 रुपये ट्रांसफर, एक कर रहा है 3,000 रुपये ट्रांसफर, एक कर रहा है 10,000 रुपये ट्रांसफर, और एक कर रहा है 50,000 रुपये ट्रांसफर आईसीआईसी से एचडीएफसी। बाकी सारे एचडीएफसी टू आईसीआईसी कर रहे हैं, और ये आईसीआईसी टू एचडीएफसी कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो बैच बनेगा इनका, उसमें क्या होगा, ये सिंगल ट्रांजेक्शन कस्टमर लेवल पे तो प्रोसेस होगी, पर बैंक लेवल पे क्या होगा, नेट कैलकुलेशन होगी। नेट कैलकुलेशन मतलब देखो, एचडीएफसी से आईसीआईसी की तरफ कितने जा रहे हैं, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16 हजार, ठीक है। एचडीएफसी से आईसीआईसी की तरफ जा रहे हैं 16,000 रुपये, और आईसीआईसी से एचडीएफसी की तरफ कितने आ रहे हैं, 50,000 रुपये। तो टोटल क्या करेंगे अब आरबीआई, क्या करेगा, ये एक एक कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है, एक एक अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेगा बैंक लेवल पे। बैंक लेवल पे क्या करेगा, वो सिंपल 34,000 लेगा और आईसीआईसीआई के अकाउंट से एचडीएफसी के में डाल देगा। तो ये सेटलमेंट फास्ट करने के लिए उन्होंने दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि 2 लाख से नीचे वाली ट्रांजेक्शन ज्यादा थी, 2 लाख और उससे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन कम थी, इसलिए। क्योंकि अगर वो इसको भी, जो 2 लाख से नीचे वाली है, इनको भी आरटीजीएस के टाइम पे करने लगता, तो उसको क्या करना पड़ता, जैसे आरटीजीएस में तो क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन आई और उसको प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसको ये बैंक लेवल पे भी प्रोसेस करना पड़ता। अगर ये मैं ये जो 2 लाख वाला क्राइटेरिया हटा दूं, तो मेरे को ये बैंक लेवल पे पहले 1,000 रुपये भी एडजस्ट करने पड़ेंगे, सेटल करने पड़ेंगे, फिर 2,000 भी, फिर 3,000 भी, 10,000 भी, 50,000 भी। तो ये इतनी ज्यादा सेटलमेंट से बचने के लिए आरबीआई ने क्या किया कि आरटीजीएस पे मिनिमम कैप लगा दिया 2,000 का, और नीचे वालों को क्या बना दिया, बैच। तो बैच में क्या होता है, बैंक लेवल पे एक एक ट्रांजेक्शन सेटल नहीं होती, ओवरऑल ट्रांजेक्शन सेटल होती है, ठीक है। तो ये था हमारा नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में, जो कि आरबीआई के प्रोडक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईएमपीएस, यूपीआई और एनपीसीआई के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैव अ नाइस डे।